सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पंचायत के सीजन 4 के बारे में। बिकॉज अगर आप लोगों ने इस सीरीज के सीजन 3 को एंड तक देख लिया है देन आप लोग को पता होगा कि अब जाकर पंचायत सीरीज की असली स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर आप लोग को रंगबाजी भी देखने को मिलेगी। क्योंकि भैया पंचायत जो है मिर्जापुर की राह पर चल चुका है, सीजन 3 के अंदर गोलियां भी चल चुकी हैं। तो आप लोग को सीजन 4 के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा वो तो भाई आप लोग अभी कुछ भी लाइक इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब देखो जितने भी लोग मेरे को इस सीरीज के सीजन 4 के बारे में पूछ रहे थे तो भाई जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है सब कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत अगर हम लोग खुशखबरी से करें तो भाई इनके मेकर्स ने ये चीज पहले ही कंफर्म कर दी थी कि वो लोग इसका सीजन 4 लेकर आएंगे। इनफैक्ट जब पंचायत की टीम का इंटरव्यू हो रहा था तो उधर ही खबर इनके राइटर्स की तरफ से सामने निकल कर आई थी कि सीजन 3 की जब स्टोरी लिखी जा रही थी तो उसके बाद सीजन 4 को भी लाइक लिखा गया है। एंड सीजन 4 के कुछ एपिसोड्स की स्टोरी तो ऑलरेडी अभी तैयार हो चुकी है, अब कुछ एपिसोड्स की ही कहानी बाकी रह गई है। इनफैक्ट मेकर्स ने सीजन 5 के ऊपर भी क्या वो लोग स्टोरी के अंदर टेक लेंगे उसके ऊपर भी विचार करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि सीजन 5 तक तो एकदम फिक्स है कि आप लोग को पंचायत सीरीज देखने को मिलेगी। एंड अगर सब कुछ सही रहा देन आप लोग को एक फीचर फिल्म भी पंचायत के ऊपर देखने को मिल सकती है। अब वो जो फिल्म है वो थिएटर में आएगी या फिर सीधे अमेज़न प्राइम पर आएगी वो तो चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन एक चीज अब ऑडियंस के लिए कंफर्म हो चुकी है कि पंचायत का जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड ही होने वाला है। क्योंकि इनकी जो रॉनेस थी एंड जिस तरीके से विलेज को इस सीरीज के अंदर एक्सप्लोर करा गया है वो काफी सारी ऑडियंस को पसंद आया है। इसका एग्जांपल आप लोग सीजन 3 से भी ले सकते हो, बिकॉज सीजन 3 को जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है वो भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट तो नहीं करा था। अगर बात करें कि आप लोग को जो इसका सीजन 4 है उसका वर्क कब तक स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा तो देखो बताया तो जा रहा है कि इसी साल से इसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड सब कुछ सही रहा देन आप लोग को इस साल के लास्ट क्वार्टर में शूटिंग का वर्क भी देखने को मिल जाएगा। बिकॉज मेकर्स ज्यादा गैप नहीं रखना चाहते हैं, उनको भाई इलेक्शन का भी रिजल्ट अभी दिखाना है। एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ी खुशखबरी फैंस लोग के लिए ये है कि इनके मेकर्स ने बोला है कि जैसे आप लोग को भाई सीजन 1 से सीजन 2 के बीच में एक गैप देखने को मिला था 2 साल का, फिर सीजन 2 से सीजन 3 के बीच में भी 2 साल का गैप आप लोग को देखने को मिला था जिसकी वजह से ऑडियंस को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, वैसा इंतजार आप लोग को इसके सीजन 4 के लिए नहीं करना पड़ेगा। जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि अगर इन लोग का लाइक सारा शेड्यूल सही से लाइक सेटअप हो गया देन आप लोग को जो सीरीज है वो 2025 के लास्ट क्वार्टर मतलब कि वही अक्टूबर से नवंबर के बीच में देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी जो लाइक आर्टिकल्स के हिसाब से इसकी रिलीज डेट सामने निकल कर आई है उसमें समर 2026 का महीना बताया जा रहा है, मतलब कि वही मई 2026 तक आप लोग को इसका सीजन 4 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इनके मेकर्स के हिसाब से चलें तो आप लोग को सीरीज उससे काफ़ी पहले देखने को मिल जानी चाहिए। लेकिन हम लोग को पता है कि टीवीएफ के शोज डिले हो जाते हैं, तो अभी आगे जब इसके रिलीज डेट के ऊपर और भी हमको अच्छी कन्फर्मेशन मिलेंगी मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि सीजन 3 के अंदर आप लोग का सबसे फनी सीन कौन सा था। मेरा तो भाई पर्सनली जो लास्ट में गोलियां चली थी और उसके बाद जो हॉस्पिटल के सामने फाइट हुई है, हाँ सर, उसके पेट दर्द हो गया था। आप लोग भी अपने लाइक कुछ भी लाइक जो भी स्टोरी रही है पंचायत से रिलेटेड चाहो तो शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।